खबरें विस्तार से। योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था का असर अब साफ दिखने लगा है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के एक सदस्य को 30 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार किया और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। बड़े पैमाने पर आसपास के जनपदों में नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाई जाती थी और फिर ग्रामीण इलाकों में उसे खपाया जाता था। अब पुलिस की नजर इस नशे के कारोबारियों के सिंडिकेट को खत्म करने पर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में थाना मंजिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय तस्कर यासीन को 1 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए है। थाना क्षेत्र के गांव आलमनगर के रहने वाले यासीन और उसका गिरोह जनपद शाहजहापुर से अफीम को खरीद कर लाते थे और फिर उसे बदायूं और हरदोई के ग्रामीण इलाकों में खपा देते थे। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इस गिरोह की पुलिस को काफी लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस ने आज उस समय यासीन को गिरफ्तार किया जब वह अपनी बाइक से नशे की इस खेप को पहुंचाने के लिए जा रहा था। पुलिस को इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला यह गिरोह शाहजहापुर से अफीम खरीद कर लाता था और फिर गैर जनपदों के ग्रामीण इलाकों में इसकी बिक्री की जाती थी। पुलिस की नजर इस नशे के कारोबारियों के सिंडिकेट को खत्म करने पर है। पुलिस का दावा है कि गहनता से इसकी छानबीन की जा रही है कि कहां से मादक पदार्थ लाए जाते थे और कौन लोग इनकी बिक्री करते थे। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये यासीन पुत्र सुभान नामक व्यक्ति जो आलमनगर थाना मंजिला का निवासी है, इनके कब्जे से मंजिला पुलिस और स्वाट टीम द्वारा लगभग 1 किलो और 100 ग्राम अफीम पकड़ा गया है और इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 57/18 NDPS एक्ट में पंजीकृत किया गया है। पूछताछ से ये पता चला है कि इनका एक अपना गिरोह है जो शाहजहांपुर और उसके बॉर्डर से इस अफीम की तस्करी में काफ़ी लंबे समय से लिप्त है और ये लोग वहां से माल लेकर बदायूं तथा अपने हरदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। अब इनसे जो पूछताछ में सूचनाएं मिली हैं उसको और डेवलप किया जाएगा और डेवलप करने के बाद से जो इस गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जाएंगे। लगभग कितनी कीमत है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए।